बच्चा होने वाला है। और अभी इतना जोर जोर के मेरे को डांट रहे थे, पता मैंने कभी बोला है आपको कि ओट्स बुरा टेस्ट करते हैं? चलो ये भी कर रही है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मतलब मैं जिस घर से मैं आई थी। What's going on? उससे obsessed है नहीं, she is the perfect human being. Okay, stop it. Good morning guys. देखो जिंदगी में कोई भी परेशानी है बस जल्दी उठ जाओ, उससे ठीक हो जाएगी। तुम रोज 5 बजे उठ रहे हो, तुम्हारी सारी परेशानियां ठीक हो जाएगी। वाह। तो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज व्लॉग नंबर डोंट नो इतने सारे बना चुके। आप अभी तक बेड पे हो? छोटा सा बच्चा बैठा ना, ये उसकी मम्मा है, इसको बहुत सारे काम होते हैं। आप भी माँ बने हो, दो बारी आपने छोटे छोटे बच्चे संभाले हैं। न्यू बॉर्न जिनके बच्चे हैं वो देखो मेरी चप्पल ले गया उठा के। आपके बच्चे ये नहीं करते होंगे एटलीस्ट। कई बच्चों को हर 2-2 घंटे में भूख लगती थी रात को ना, ठीक है। और एक बहुत कॉमन डिजीज होती है, उसे कहते हैं वूपिंग कफ, जो बच्चों में बहुत कॉमन होती है, खांसी होती रहती है बच्चे को, ठीक है। मैंने ऐसे पाला तुम लोगों को, ठीक है। तो एक ये भी उठता है। चलो ये भी कर रही है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मैंने बालकनी साफ की, इसने यही बोला कि सर नहीं बोला अभी नहीं, मैं बोला वो नहीं आएगी। दीदी ने वेट लूज कर लिया हुआ है अपना, उसका शेड्यूल अभी बिजी है तो जिम नहीं आएगी। जोय की वॉक भी हो चुकी है और स्टफी की वॉक भी हो चुकी है, दोनों ये इस तरह पड़े हुए हैं जैसे पता नहीं ये कितने किलोमीटर भाग के हैं। ये भी ऐसे पड़ा है उधर, वो भी ऐसे ही पड़ा है। वेरी हेल्दी डाइट। इतना बुरा भी टेस्ट नहीं करता। मैंने कभी बोला है आपको कि ओट्स बुरा टेस्ट करते हैं? मोस्टली जो चीजें अच्छी होती हैं, हेल्दी होती हैं, हमेशा बुरी टेस्ट करती होती है। वो आपको लगता है? ओट्स खा रहा है गाइस, उधर कोको पाउडर डाल दिया ताकि इसको थोड़ा फ्लेवर अच्छा आ जाए। फ्रूट्स डाले हैं साथ में, हनी डाला है साथ ही। वो 4 बॉयल अंडे लेगा, तो एग मैंने बॉयल करके रख दी है, अभी पील करके इसको दे देते हैं। अपनी डाइट की बात करूं तो आज और कल 2 दिन मैं नो कार्ब्स डाइट ले रही हूं। रीज़न वही है, राखी फेस्टिव आ रहा है, मिठाई भी खाई जाएगी और कुछ ना कुछ हैवी फूड भी खाया जाएगा। तो यही एक बेस्ट वे है बॉडी वेट को मैनेज करने का कि फेस्टिव से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद अगर आप खुद को प्रोटीन और फाइबर पे टिका के रख सको तो वेट बढ़ने का डर कम हो जाता। पिछले 4 सालों में 4 राखी ब्लॉग्स में अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार का राखी ब्लॉग उन सभी से डिफरेंट होगा। वो तो पता नहीं क्या खाते हैं, वो कीटो डाइट पे होते हैं और वो बहुत ज्यादा वेट ट्रेनिंग करते हैं, तब होता है। नॉर्मल बंदा नहीं 20-25 अंडे खाता, नॉर्मल 20-25 अंडे खाता। जो लोग अपनी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या कीटो डाइट पे हैं वो खा सकते हैं सिर्फ। इसके लिए 4 अंडे इनफ है। कहती हूँ ये वीक में 5 दिन भी जाए ना, इनफ है इसके लिए। बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होती है, थोड़ी होता कि आप 7 दिन ही एक्सरसाइज करोगे। 5 दिन भी जाए अगर प्रॉपर वेट ट्रेनिंग करे, 5 दिन 5 दिन इनफ है। सुबह उठते ही चिया सीड के साथ लेमन बटर लिया था, अभी बस एक फ्रूट खाया है, अब बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। तो आज के अपने नो कार्ब्स ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों में आपके साथ शेयर करूंगी। ब्रेकफास्ट में मैं रोल्ड ओट्स ले रही हूं, तो रोल्ड ओट्स को अपने पानी में बॉईल करना है क्योंकि थोड़े से हार्ड होते हैं, तो इनको पहले पका लेंगे। फ्रूट में मैं सिर्फ एक बनाना ले रही हूं और कोई फ्रूट ऐड नहीं कर रही हूं। अपनी वेट लॉस जर्नी में रोज मैं एक बनाना खाती थी, तो ये एक मिथ है कि वेट लॉस में बनाना नहीं खाना चाहिए, आपको डाइट बैलेंस करनी आनी चाहिए। बनाना एक बहुत ही अच्छा फ्रूट है। जितने रोल्ड ओट्स लिए थे उससे डबल पानी लेना है, उसे अच्छे से बॉयल करना है जब तक पानी सूख ना जाए और अच्छे से पक ना जाए। 2 चम्मच दही, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। कुछ हैंडफुल मैंने बादाम लिए हैं, थोड़ा सा इनको क्रश करके इसमें डाल देंगे। कुछ ब्लूबेरीज और कुछ ब्लैकबेरीज ली हैं, ये ऑप्शनल है, लेना चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। ओट्स पक जाए उन्हें ठंडा करके फिर उसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी भी इसमें मिला देंगे ताकि थोड़ा सा टेक्सचर बढ़िया हो जाए। उसके बाद 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है हनी। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसमें सिर्फ 3 चीजें होती हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। कार्ब्स और फैट्स को मैंने साइड हटा दिया है 2 दिन के लिए। एटलीस्ट 2 मील्स में फुल प्रोटीन रखूंगी, लेकिन प्रोटीन के बेटर डाइजेशन के लिए आपको फाइबर की जरूरत भी होती है, इसीलिए साथ में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी इंक्लूड करेंगे। लंच में भी नो रोटी नो राइस, सिर्फ थोड़ा सा तेल डाल के उसमें जीरे का छौंक दिया है, साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है। मटर डाल दिए हैं बहुत सारे, इनको पहले सॉटे कर लिया है अलग से, फ्रोजन मटर है। अगर थोड़े से ऑयल में नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर डाल के इन्हें सॉटे कर ले, बड़े क्रिस्पी से हो जाते हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा इसमें प्याज, टमाटर और पत्ता गोभी डाली है। कोई कवर करके पकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो सब्जियां हैं वो हमें क्रंची चाहिए, बिल्कुल कच्ची कच्ची होनी चाहिए। अब इसमें डाल रही हूँ 100 ग्राम पनीर। तो ये है आज का लंच, काइंड ऑफ पनीर की भुर्जी है, लेकिन इसमें वेजिटेबल्स भी हमने ऐड कर ली हैं क्योंकि प्रोटीन के साथ हम फाइबर ले रहे हैं। पिछली 2 वीडियोस में आपने मेरे फेस पे एक अलग तरह का ग्लो देखा और मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए।
एस्टिमेट्स भी लगाए कि क्यों है ऐसा। कुछ लोगों ने कहा आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो इसलिए आपके फेस पे ग्लो है, कुछ लोगों ने बोला आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखते हो इसलिए आपके फेस पे ग्लो है। वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगी, ये और कुछ नहीं मेकअप का ही कमाल है। ओकेजनली तो हम सभी लेडीज़ मेकअप करती हैं, लेकिन डेली बेसिस पे बेसिक मेकअप लगाने से भी डरती हैं क्योंकि इनके हार्मफुल केमिकल्स स्किन को डैमेज करते हैं। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि मामा अर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन आप डेली यूज़ कर सकते हैं। कभी फाउंडेशन को रेगुलरली यूज़ नहीं करती थी, लेकिन अब बिना डर मैं डेली इसे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि विटामिन सी और टर्मरिक की गुडनेस से बना ये ग्लो सीरम फाउंडेशन एक मेड सेफ सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। मतलब इसमें किसी भी तरह के कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। ये फाउंडेशन ईजिली आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाता है, परफेक्ट कवरेज देता है, बहुत लाइट वेट है, क्लिनिकली टेस्टेड है, 12 घंटों तक आपकी स्किन पे एज इट इज स्टे करता है, सभी स्किन टोन्स के लिए सूटेबल है, 7 कलर्स में अवेलेबल है, आप अपने स्किन कलर के हिसाब से चूज कर सकते हैं। मेरी स्किन टोन के हिसाब से मैं क्रीमे ग्लो नंबर 2 यूज कर रही हूँ। मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के साथ साथ इनडायरेक्ट वे में हम इन्वायरमेंट में भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं क्योंकि एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दे प्लांट। 2025 तक मामा अर्थ का टारगेट 1 मिलियन ट्रीज लगाने का है। ये प्रोडक्ट आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पे इजीली मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं मेरे फेस की पूरी लुक, बस मैंने लिप कलर लगाया है और छोटी सी बिंदिया लगाई है। जो लिप कलर मैंने लगाया है ये भी मामा अर्थ का ही लिप कलर है। देख सकते हैं मेरा फेस कितना फ्लॉलेस लग रहा है, कितना ग्लोइंग लग रहा है। एक बार मेरे कहने से एक लो सीरम फाउंडेशन ट्राई करके जरूर देखिएगा। मेरा कूपन कोड शेपअप 2022 का इस्तेमाल करके आप 20% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। ये कूपन कोड मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप के लिए ही वैलिड होगा। बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच। गेट खोलने गाड़ी बाहर है। कहाँ हूँ मैडम, बाहर खड़ी हूँ मैं, कब से बेल बजा रही हूँ। कौन सी मंजिल पे रहते हो? ये ग्राउंड फ्लोर वाला? ग्राउंड फ्लोर ना, फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, क्यों आप तो नीचे से निकलते हो? अच्छा, सिर्फ बुटीक है। नेहा कह रही है उसके पास नए सूट्स आए हैं। तो हम लोग अभी निकल गए हैं राखी की शॉपिंग करने। इस बार की राखी शॉपिंग के लिए मैं भी थोड़ी सी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्यों हूँ वो आपको पता चल जाएगा। घर से निकलने से जस्ट पहले बुटीक से नेहा का कॉल आया कि किरण कुछ नए सूट्स आए हैं, एक बार आके चेक कर लो। चलते चलते फिर मैं बुटीक की तरफ मुड़ गई क्योंकि सूट्स हमारे पास कितने भी हों लेकिन फिर भी हम लेडीज को वो कम ही लगते हैं। जैसे आपको थोड़ा ये लग रहा है ना, तो इस पर मैं डिजाइनिंग थोड़ा दुपट्टे से मैच क्या करवा दूंगी ना, में भी टच आ गए। हम तो ऐसा कुछ कर दोगे थोड़ा सा लुक ज्यादा हो जाएगी, मतलब डल लग रहा है, मतलब बना देंगे। मैं थोड़े से डार्क कलर, डिसेंट कलर पहनना ज्यादा पसंद करती हूँ बजाय कि बहुत लाइट और डल कलर, जचते ही नहीं है। जैसे मल्टी शेड चुनी है ना, तो इससे इससे मैच करता हुआ। चलो ठीक है, थैंक यू। मैं व्लॉग शूट करती हूँ ना गाइस, तो ये कहते हैं मुझे मत लेना व्लॉग में, और रीजन बताती हूँ आपको। मैंने शेव नहीं कर रखी। फिर आपने शेव क्यों नहीं कर रखी? क्या कर रहे थे आप? जवाब देना, पूछ रहे हैं सब लोग, बताना जरा। नहीं, अच्छा कहते उदय को कैमरा में दिखा दे, उदय को पूछ ले कि वो क्या कर रहा है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपसे पूछ रहे हैं सारे व्यूअर्स कि आप क्यों नहीं करते हो फिर शेव? मन तो इंसान का ये करता है कि काउच पे बैठ के और बस चिप्स खाता रहे और पॉपकॉर्न खाता रहे और मूवी देखता रहे। मेरा नहीं करता। बीवी को परेशान करने को ही मन करता है ना। ये कैमरा के आगे ऐसे चुप हो जाते हैं देखो, और अभी इतना जोर जोर के मेरे को डांट रहे थे पता। जबरदस्ती में ही भाई, कुछ तो अब शिकायत लगाऊंगी आप लोगों से मैं इनकी, है ना। या तो ये बंदा डांट ले या तो ये बंदा कुछ बात कर ले, भाई कुछ तो बोलो। आपको पता जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, मतलब मैं मतलब जिस घर से मैं आई थी उतनी रौनक थी हमारे घर में, इतना हम बोलते थे, मतलब मैं तो बहुत ही बोलती हूँ, अभी भी मैं बहुत बोलती हूँ। और जब मेरी नई नई शादी हुई और मैं घर आई यहाँ पे, तो ये लोग कुछ बोलते ही नहीं थे यार, कुछ बात ही नहीं करते थे। मुझे ऐसा लगता था मैं कहाँ पे आ गई हूँ। मतलब शुरू शुरू में थोड़ा होता है ना कि हाँ शर्म भी आती है, इतना आप खुल के बात नहीं कर पाते हो, लोग बोलेंगे कि पता नहीं कैसे क्या बहू, कैसी बहू है इनकी, इतना बोलती है, इतनी बात होनी है, तो मैं चुपचाप रहना।
और जब ना पूरा पूरा दिन कुछ बात नहीं होनी तो मेरे को ऐसा लगना कि मेरे गले से ना आवाज ही नहीं निकल रही, मेरा गला जाम हो गया है, मतलब ऐसे ऐसे साउंड करते। और अभी भी सेम ही हालात है, अभी भी कोई बात नहीं ज्यादा करना पसंद करते, बहुत ही ज्यादा रिजर्व्ड नेचर है गाइस। मतलब मैं तो कहती हूँ इनके भाग खुल गए हैं कि मैं इनको मिल गई हूँ कि कि घर में थोड़ी सी बात बात होती है, ऊपर से फिर जैस्मिन आ गई। जैस्मिन तो आपको पता ही है कितनी बातें करती है ना, तो बस एक मैं एक जैस्मिन, हम दोनों ही चहक रहे होते हैं पूरे घर में। और ये पीछे बैठा ना एक, जो देख लो इसको भी देख लो, ये नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा, अगर इसको बात करनी है तो इसको नॉलेजेबल टॉपिक्स पे बात करनी है। भाई फन कर लो, थोड़ा मजाक भी कर लो, जिंदगी में आए हो कुछ इंजॉय भी कर लो। अब ये सोच रहे हैं तो कैमरा बंद कर फिर मैं तेरे को बताता हूँ पर ऐसा नहीं होगा, नो कैमरा हम बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, नो। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको पता नहीं क्या हो गया, ये कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर, कितनी सारी बातें करी देखो मैंने आपसे आज। और अगर जैस्मिन आई होती तो क्या गाड़ी में ऐसे सन्नाटा होता? बिल्कुल नहीं। मैं और जैस्मिन बातें कर रहे होते, लाउड सा म्यूजिक लगा होता, शायद हम लोग डांस भी कर रहे होते। तो धागे में हो लेकिन अच्छे हो, हाँ ये चुभेगी ना, ये चुभती है, फिर ये तो चुभती होती है, चुभने वाली ना हो ना, ये दिखाना, ये इसमें खोल के दिखाना, चुभने वाले नहीं चाहिए भाई, क्या सॉफ्ट में। राखी शॉपिंग के बाद हम लोग कुछ स्वीट्स लेने के लिए स्वीट शॉप आ गए। मेरे किसी भी राखी व्लॉग में अभी तक आपने मुझे इतना एक्साइटेड नहीं देखा होगा, इतनी शॉपिंग करते हुए नहीं देखा होगा। क्यों इतनी एक्साइटेड हूँ वो आपको इस व्लॉग के एंड में पता चल जाएगा। बात कोई बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जब छोटी छोटी चीज़ें भी आपकी पहुँच से दूर होती हैं तो आपको वो भी बड़ी लगती हैं। आप लोग भी मेरी तरह राखी की तैयारियों में बिजी होंगे, तो राखी की तैयारियों के साथ साथ हम लोग नैनीताल ट्रिप की तैयारी भी कर रहे हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश किया गया था मेरे प्रीवियस व्लॉग में, उसके बावजूद भी मुझे कमेंट में पूछा जा रहा था, पूरी इंक्वायरी ली जा रही थी। तो मैं आपको कहना चाहूँगी बेझिझक आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वो मेरी फ्रेंड रुचि का नंबर है, वो आपको डिटेल में हर चीज़ बता देगी। फील फ्री टू कॉल हर, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप बेझिझक रुचि को कॉल कर सकते हैं। वेटरनरी आ रहा है गाइस, स्टफी को इंजेक्शन लगना है। बात वही है कि सबसे टफ काम जो है आज हमारा होने वाला है। अभी हम लोग रास्ते में ही थे कि वेटरनरी का कॉल आ गया कि वो स्टफी की वैक्सीन के लिए घर आ रहे हैं। ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन स्टफी के एग्रेशन की वजह से ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दिने यहाँ पे ग्लव्स पहन लिए, ये एंटी बाइटिंग ग्लव्स हैं, तो इसमें बाइट का पता नहीं चलता, तो बाइट नहीं होगा इसको। बस बेटा बस 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 मुन्ना बस 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 कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, गुड बॉय, गुड बॉय। बस बस स्टफी स्टफी बस 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 नो बेटा नो बस 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 कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नो 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 गुड बॉय। बस गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, देखा बस हो गया, हो गया, हो गया बेटा। तीन इंजेक्शन लगवाए मैंने, इतना कसकर पकड़ के रखा था, तीन इंजेक्शन लग गए गाइस। और आई वाज लाइक सो क्लोज टू हिम, तो मैं काट भी सकता था, बट आई डिड नॉट केयर अबाउट माय सेल्फ, आई प्रोटेक्टेड माय फैमिली। चलिए राखी की शॉपिंग मेरी सारी हो चुकी है, राखियां आ गई हैं, स्वीट्स वगैरह आ गए हैं, तो बस अब हो गई है तैयारी जाने की। इस बार की राखी भाई के साथ मनाऊंगी, बहुत रेयर होता है, इन 22 सालों में सिर्फ एक बार ऐसे हुआ है कि मैं भाई के पास राखी बांधने के लिए गई थी,
छोटे भाई के पास तो एक बार भी नहीं गई। छोटा है लेकिन मुझसे तो बड़ा ही है, क्योंकि वो हिमाचल में रहता है तो काफी डिस्टेंस पड़ जाता है, स्पेशली राखी के लिए वहां पे नहीं जाया जाता। अगर लुधियाना की बात करूं तो वहां पे भी इन 22 सालों में सिर्फ एक बार मैं स्पेशल राखी के लिए गई थी। लास्ट मंथ आपने मुझे देखा था, लुधियाना में थी मैं। एक व्लॉग भी मैंने लुधियाना का अपलोड किया था जब मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं कुछ दिनों के लिए मम्मा के पास रहने गई थी। 15 दिन से मेरा प्लान बन रहा है वहां पे जाने का, लेकिन धीरे धीरे फिर प्लान चेंज होता गया। लगा कि राखी पास में आ रही है तो बिल्कुल राखी के पास जाके इस तरह से वापस आ जाना वो भी ठीक नहीं रहेगा। जब जाना ही है तो थोड़ा सा डिले कर लेती हूँ, राखी के बिल्कुल पास जाती हूँ ताकि राखी भी सेलिब्रेट हो जाए। नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा वो भाई के घर का ही आएगा। कोशिश करूंगी कि रक्षाबंधन से पहले भी एक ब्लॉग मैं अपलोड कर दूं, अदरवाइज रक्षाबंधन का ब्लॉग तो श्योरली आएगा। चलिए शॉपिंग का काम सारा खत्म, अब बस चेंज कर लेती हूँ, खाने के लिए कुछ बना लेते हैं फटाफट से। जब तक हम लोग घर वापस पहुंचे मम्मा ने डिनर में दाल बना दी थी और स्टफी को वैक्सीन लगते लगते मम्मा ने चपातियां भी लगा दी। तो डिनर तो रेडी हो चुका है सब, अब बस मुझे बनाना है अपना डिनर, नो कार्ब्स डिनर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब नो कार्ब्स डिनर हम लेते हैं तो उसमें प्रोटीन ऐड करते हैं और फाइबर ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बस बीन्स चॉप की है, एक शिमला मिर्च चॉप की है, साथ ही कुछ प्याज डालूंगी। ये नो कार्ब्स डाइट मैं 2 दिन के लिए ले रही हूँ, लेकिन दूसरे दिन का शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आज मुझे वीडियो अपलोड करनी है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बता के ही जाऊंगी, पहले आप ये रेसिपी देखिए। 1 चम्मच तेल या घी में इन तीनों चीजों को सॉटे कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी भी सब्जियों को ओवर कुक नहीं करते, जब इस तरह से अलग से अपने लिए कुछ कुक करते हैं तो आपको पूरा फ्रीडम होता है कच्ची सब्जियां खाने का। बस मीडियम फ्लेम पे 1.5 से 2 मिनट नमक और काली मिर्च का पाउडर दोनों चीजें डालकर इन सब्जियों को सॉटे कर लेना है। और डिनर में सब्जियों के साथ में ले रही हूँ 2 उबले हुए अंडे। अब जो लोग एग्स नहीं खाते हैं वो इस टाइम सोया पनीर इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं तो आप बॉयल चने डाल सकते हैं, ब्लैक चने ले लीजिए या फिर व्हाइट चने। तो बस इजीली डिनर रेडी हो जाता है, बहुत टेस्टी है, आराम से च्यू करके खाइए और एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट डे के ब्रेकफास्ट में 2 अंडों का ऑमलेट बनाऊंगी और साथ ही इसी तरह से वेजिटेबल्स सॉटे करके लूंगी। लंच की बात करूं तो हरी मूंग को भिगो के उसे स्टीम कर लेना है। 3 चम्मच हरी मूंग, 2 चम्मच मूंगफली और 1 खीरा, तीनों को मिक्स करके उसमें दही डाल देंगे, साथ में थोड़ा सा नमक डालेंगे और काली मिर्च का पाउडर। ये हो जाएगा हमारा लंच। डिनर में प्याज, शिमला मिर्च और 100 ग्राम पनीर को मैरिनेट करेंगे दही में नमक और लाल मिर्च का पाउडर डाल के, साथ ही डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 10 मिनट इन्हें ऐसे ही छोड़ के तवे पे सेक लेना है और बस एंजॉय करना है। इस डाइट का इस्तेमाल मोस्टली मैं फेस्टिव सीजन के आसपास करती रहती हूँ। अगर आप 1 वीक तक ये डाइट फॉलो कर लें और मीठा ना खाएं तो आप वैसे ही बहुत लाइट फील करेंगे। चलिए बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।